फ्रेंड्स, आप सबका आपके YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से हम एक से लेकर 100 तक की संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, संख्या एक का वर्ग एक होता है, दो का वर्ग चार होता है, तीन का वर्ग नौ होता है, चार का वर्ग 16 होता है, पांच का वर्ग 25, छह का वर्ग 36 और सात का वर्ग 49, आठ का 64, 9 का 81, 10 का 100। इस प्रकार से सारे ये तो क्या हम बड़ी आसानी से याद भी कर सकते हैं, लेकिन बड़ी संख्या अगर आ जाती है अपने पास, हम उसका किस प्रकार से वर्ग ज्ञात कर सकते हैं, उसकी एक आसान सी विधि शॉर्ट मेथड है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसा कि ये 32 है, ठीक है साथियों, 32 का वर्ग का तात्पर्य होता है अपना कि उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करना। इसका मतलब यह है कि 32 को हम 32 से ही गुणा करते हैं। अगर इसको गुणा करते हैं, बहुत आसान से तरीके से हम इसको हल करेंगे कि अपना वर्ग आसानी से आ जाए। इतना लंबा गुणा हमें नहीं करना है, बिना गुणा किए हमें करना है। हमें क्या करना था, जो देखो ये जो लड़का है उसको 3 गुणा 2 गुणा ये 2 है, 2 लिख देंगे बराबर। इसको गुणा करते हैं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये 12 हो गए, ठीक है साथियों। अब हमें क्या करना है, ये 2 अंक की संख्या है, हम इकाई वाली संख्या जो लेते हैं उसका वर्ग करते हैं, 4 आता है इसका। अब सर ये 2 अंकी है, इसलिए हम इसको 2 अंकों में लिख लेते हैं। फिर इसका वर्ग करते हैं, 3 का वर्ग करेंगे अपने पास 9, 9 के साथ 1 0 और लगा देते हैं क्योंकि 2 अंकों की संख्या दी हुई है। फिर हमें क्या करना है, ये 12 लेना है, 12 को इधर से एक संख्या छोड़ते हुए हमें ये लिखना है 12 को, और यहाँ अपने पास फिर हम इसको जोड़ते हैं, ये 4 आ गया, ये 2 आ गया, 9 और 1 10, 10 का 0, 8 का 1 इसमें जोड़ा तो ये अपने पास 1024। देखिए सर, अब हम इसको चेक करते हैं कि ये अपने जो किया है वो सही है या नहीं है। देखिए, मैं 32 को 32 से गुणा करके दिखाता हूं आपको। 2 का 12 2 बार बोलेंगे 4, 2 का 12 3 बार बोलेंगे 6, फिर 0, फिर 3 का 12 2 बार बोलेंगे 6, 3 का 12 3 बार बोलेंगे 9, फिर हम इसको जोड़ते हैं तो 4 6 6 12 का 2 8 का 1 9 1 10, ठीक है साथियों। ये 1024, ये 1024 अपने साथ ये दोनों ही एक तरीके से गुणा करेंगे तो भी आया, और इस तरीके से करते हैं तो भी यही आया। हाँ तो साथियों, मैं एक और उदाहरण लेके दिखाता हूँ आपको, बड़ी संख्या लेके दिखाता हूँ। इसमें जैसे 64 लिया, 64 का वर्ग करना है, हमें क्या करना है, इसे और फास्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 6 × 4 × और ये 6 4 हो गए, ये 2, 6 6 24, 24 × 48, ठीक है साथियों। अब हमें क्या करना है, 4 का वर्ग करना 16, 6 का वर्ग करना 36, क्योंकि 2 अंक की संख्या है और इस वर्ग में 2 अंक आ रहे हैं, इसलिए हमें 0 लगने की आवश्यकता नहीं है। पहले हमने हमने वर्ग किया उसमें 2 अंक नहीं थे, इसलिए हमने 0 लगाया। अब इस संख्या को क्या करना है, इकाई की तरफ से एक संख्या छोड़नी है और इसको इस प्रकार से लिखना है और इसको जोड़ना है। ये अपना 6 हो गया और 8 × 1 9 हो गया, 6 × 4 10 हो गया, ठीक है साथियों। और इसमें एक और जोड़ देंगे, 3 × 1 4, 4 × 6 96, इसका वर्ग आ गया। इसके साथ साथ जो एक और लेते हैं, जैसे हम लेते हैं 76 का वर्ग, ठीक है ना, इसका वर्ग करेंगे तो 6 ये 7 है, 7 × 6 × 2, ठीक है दोस्तों। अब हमें इसका गुणा करेंगे, 7 × 6 42, 42 × 84, ठीक है। अब हम इस क्या करना है, इसका वर्ग करना, 6 × 6 36, 7 का वर्ग आपका 49, 7 × 7 49, ये है 84। 84 को हम इधर से 1 अंक छोड़कर यहां लिखते हैं और फिर उसको जोड़ देते हैं बड़ी आसान तरीके से, बड़ी 6 आ गया और ये 3 और 4 7 हो गया, 8 8 16 17 हो गया, 17 का 7 8 का 1, 4 1 5 हो गया। देखिए साथियों, ये इसका वर्ग है 5776। बड़ी ही कम समय में और बहुत शॉर्ट ट्रिक से आप इस प्रकार से सारी संख्याओं का 1 से 100 तक का वर्ग निकाल सकते हैं। इसके साथ साथियों, अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगता है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, कमेंट्स करें। जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।